हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सीपीयू के अंदर। सो यहाँ पर देखिए, मेरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर डेस्कटॉप है, देन कीबोर्ड है, माउस है, देन यहाँ पर सीपीयू है, देन यहाँ पर देखिए यूएसबी पोर्ट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने पेन ड्राइव बूटेबल बनाई है, यहाँ पर मैं इसको अटैच करूँगा। देन आफ्टर अटैच करके ये सेम जो स्लॉट्स हैं हमारे सीपीयू के पीछे भी होते हैं, यूएसबी स्लॉट्स या पोर्ट्स, वहाँ पर भी आप अपनी पेन ड्राइव को अटैच कर सकते हैं। देन आफ्टर अटैच करके आप अपने सिस्टम को ऑन करेंगे। यहाँ पर जब मैंने सिस्टम को ऑन किया, देखिए ऑन हो गया। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे आते हैं। देन डेस्कटॉप पे आने के बाद नीचे देखिए ये शो कर रहा है F10 फॉर बूट मेन्यू। यहाँ से आप F10 प्रेस करेंगे, दिस वन। जब मैंने F10 प्रेस किया, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है मेरी पेन ड्राइव है। यहाँ पर सबसे पहले हार्ड डिस्क, सेकेंड पेन ड्राइव, थर्ड वन रियल, देन सॉन। यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव चूज़ की, सेकेंड वाली जो वाइट है। देन आफ्टर डैट मैंने कर दिया एंटर। आप ये भी एंटर चूज़ कर सकते हैं, दिस वन भी एंटर चूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से एंटर कर दीजिए। जब मैंने एंटर किया, आफ्टर एंटरिंग यहाँ पर देखिए जो मेरी पेन ड्राइव में, दिस वन इज पेन ड्राइव, जो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं वो यहाँ इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। यहाँ देखिए मैंने केबल रखी है, दिस वन इज मेल फीमेल केबल। आप यहाँ इसको एक साइड यूएसबी जो पोर्ट है यहाँ पर जैसे मैंने अटैच किया है, दिस वन, आप सेम इसको पीछे अटैच कर देंगे सीपीयू के। देन आफ्टर पेन ड्राइव आप यहाँ भी लगा सकते हैं, दिस वन। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए पहले से एक स्लॉट रखा है, सेम केबल, यहाँ पर भी आप पेन ड्राइव वगैरह अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे अटैच करने के लिए सीपीयू यहाँ से घुमाना पड़ता। फिलहाल यहाँ पर देखिए मेरी जो विंडो की फाइल्स इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर मुझसे पूछ रही है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करें, सो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, देन ओके कर देंगे। देन आफ्टर डैट यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट में रखूँगा, यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आ रहा है इंस्टॉल नाउ, तो आप क्या करेंगे यहाँ से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे। जब इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो सेटअप है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो विंडो आएगी ये आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 अल्टीमेट चाहिए, 86 बिट चाहिए या सेकेंड वन चाहिए। मुझे चाहिए सेकेंड वन, सेकेंड वन पर क्लिक करिए। ये देखिए सिलेक्ट हो गया, नीचे देखिए आ रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आफ्टर डैट यहाँ पर देखिए आ रहा है चेकबॉक्स, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये उसका लाइसेंस वगैरह आप रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, ये आपकी नीड है। फिलहाल यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट, दिस वन इज नेक्स्ट। आफ्टर डैट यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप विंडो को अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मुझे फ्रेश करना है तो मैं कस्टम, देन यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ जो सेकंड था। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट देखिए ये रिजर्व स्पेस होती है जो हमारी विंडो 7 से लेकर 10 तक लेता है हमारा सिस्टम, इसको सिलेक्ट करिए। नीचे देखिए ड्राइव ऑप्शन आ रहे हैं, इसको क्लिक करिए। आफ्टर डैट यहाँ से आप करेंगे फॉर्मेट, देन ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ओके आ रहा है, यहाँ पर देखिए स्पेस इसकी जो ऑटोमेटिक यहाँ डिक्रीज होगी। देन सेकेंड वन जो हमारा लोकल डिस्क सी है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, दिस वन, एंड इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर दूंगा, देन ओके। ओके करने के बाद इसका स्पेस देखिए यहाँ से पूरा खाली हो जाएगा। एक यहाँ पर आपको चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, बाकी जो ड्राइव है वो फॉर्मेट मत करिएगा अगर तो आपका उसमें डाटा है। हाँ, अगर आपका डाटा वगैरह नहीं है फिर आप फॉर्मेट कर सकते हैं। सो फिलहाल मैंने जो विंडो सेलेक्ट के लिए ड्राइव सेलेक्ट किया वो दिस वन है, आप भी इसी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट वन इज यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से मेरी जो विंडोज़ की फाइल्स हैं एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर नियर बाय थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए जो फाइल्स हैं वो हमारे सिस्टम में कॉपी हो रही हैं। यहाँ पर देखिए मेरी फाइल्स फिलहाल एक्सपेंड हो रही हैं, 70% हो गया। यहाँ पर देखिए जो मेरा एक्सपेंडिंग फाइल्स है वो 98% तक पहुँच गई हैं, 99 हो गया। देन आफ्टर डैट यहाँ पर एक्सपेंड होने के बाद इसके जो फीचर्स हैं वो इंस्टॉल होंगे, देन अपडेट्स वगैरह इंस्टॉल होंगी, देन उसके बाद मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा, रिबूट जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर फिलहाल थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पर देखिए इंस्टॉलिंग फीचर्स आ रहे हैं, इंस्टॉलिंग फीचर्स के बाद इंस्टॉलिंग अपडेट्स आ रहा है। यहाँ पर फिलहाल जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं वो डन हो गए, इसलिए वहाँ पर ग्रीन टिक है। जो 4th स्टेप है वो फिलहाल मेरा हो रहा है यहाँ, वो भी हो गया देखिए। देन आफ्टर डैट जो मेरा 4th स्टेप है यहाँ पर देखिए फिलहाल मेरा मांग रहा है सिस्टम को रीस्टार्ट, यहाँ आप एंटर का यूज़ करेंगे, यहाँ एंटर क्लिक कर दीजिए। जब मैंने एंटर किया यहाँ पर देखिए मेरा सिस्टम रिबूट हुआ। देन आफ्टर रिबूट यहाँ पर मेरी नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, यहाँ से आप कोई भी की नहीं प्रेस करेंगे, जो चल रहा है उसको ऑटोमेटिक चलने दीजिए।
यहाँ देखिए स्टार्टिंग विंडोज आ रहा है। देन यहाँ पर देखिए उसकी जो रजिस्ट्री सेटिंग है वो अपडेट हो रही है, यहाँ थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ से देन आपकी डिटेल मांगेगा, जो जो डिटेल मांगता है वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। यहाँ देखिए जो उसकी सर्विसेज हैं वो स्टार्टअप हो रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये कंप्लीशन हो रहा है, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। यहाँ पर देखिए एक बार आ रही है प्रोसेस बार, ये हमें बता रही है कि यहाँ कितना मेरा फिल होना रह गया है। और ये जो यहाँ पर पूरी ग्रीन फिल हो गई है डेट मीन्स इतना मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर जितना ये स्पेस पेंडिंग है डेट मीन्स ये अभी हमने फिल करना है, मीन टू से कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं जो यहाँ ये आ रहा है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, यहाँ पूरी फिल होंगी। यहाँ पर देखिए मेरी बार और फिल हो गई है, यहाँ थोड़ा सा पोर्शन रह गया, ये भी यहाँ पर जब कंप्लीशन होती रहेगी ऑटोमेटिक ये जो यहाँ पर बार आ रही है जो यहाँ फिलहाल थोड़ी सी अनफिल्ड है उसको फिल करता रहेगा। सो यहाँ हम इस प्रोसेस को चलने देते हैं। और यहाँ आपको एक और चीज़ मैं प्रेफर करूँगा, अब आपके इसके साथ यूपीएस अटैच हो तो बेटर है, अगर अदरवाइज लाइट वगैरह चली गई तो आपकी विंडो करप्ट हो जाएगी, फिर से आपको सारे प्रोसेस फिर से रिपीट करने पड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए सेटअप फिर से आगे कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ सिस्टम मेरा फिर से रिबूट हुआ। देन आफ्टर रिबूटिंग यहाँ प्रोसेस फिर से थोड़ी सी आगे चलेगी। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ रिमाइंड कराना चाहता हूँ, कोई भी आपसे की प्रेस करने के लिए मांगे तो उसको प्रेस मत कीजिएगा। यहाँ पर मेरी नेक्स्ट फिर से प्रोसेस वही आ रही है। यहाँ पर अब आपसे जो जो डिटेल मांगी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, अपनी पेन ड्राइव को यहाँ से मत उतारिएगा जब तक आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इंस्टॉल ना हो जाए। यहाँ पर फिलहाल मेरा जो सिस्टम है वो तो फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए इसकी वीडियो परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। देन यहाँ पर देखिए मुझसे मांग रहा है कि यहाँ पर मैं यूज़र नेम एंटर करूँ, तो आप कोई भी यूज़र नेम एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया AS। देन आफ्टर दैट स्मॉल में लिखे कैपिटल में लिखे कि प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आप स्टार्टिंग में पासवर्ड दे सकते हैं, नहीं देना तो आपकी नीड है बाद में भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ। आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट यहाँ पर मुझसे सीरियल की मांग रहा है, मेरे पास सीरियल की नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ से स्किप कर दीजिए। देन आफ्टर डैट यहाँ पर अपडेट्स के लिए मुझसे मांग रहा है, फिलहाल इसको आप ऑफ रखिए ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर कर दीजिए आस्क मी लेटर, आस्क मी लेटर पर क्लिक करके यहाँ पर आपका टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए, डेट एंड टाइम अभी सेट कर सकते हैं, बाद में करनी बाद में भी सेट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कोई। यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। देन आफ्टर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो सेटअप है वो फाइनलाइज हो रहा है। देन आफ्टर डैट यहाँ पर जो मेरा डेस्कटॉप आएगा आफ्टर सारी प्रोसेस होने के बाद, यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप प्रिपेयर हो रहा है। देन यहाँ पर देखिए मैं डेस्कटॉप आ गया, अब यहाँ पर मुझे चाहिए माई कंप्यूटर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए स्टार्ट बार आ रहा है, स्टार्ट बटन इस पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर देखिए माई यहाँ कंप्यूटर आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए नीचे से थर्ड ऑप्शन शो ऑन डेस्कटॉप, जब मैंने शो ऑन डेस्कटॉप किया यहाँ पर देखिए माई कंप्यूटर आ गया, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। देन यहाँ पर देखिए लोकल डिस्क सी जिसमें मेरा ऑपरेटर सारा डाटा अवेलेबल है, देन लास्ट में पेन ड्राइवर, लास्ट में पेन ड्राइव जो मैंने बूटेबल क्रिएट की है, और यहाँ पर देखिए DVD ड्राइव। सो ऐसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि आफ्टर इंस्टॉलेशन मेरा ड्राइव यहाँ पर सिक्योर है और डाटा मेरा इसमें अवेलेबल है। सो इसको करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपने पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनानी है उसकी जो वीडियो है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको प्रोसेस को देखकर अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग आवर वीडियो।